इधर बदायूं में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। युवक ने पंजाब की युवती से धर्म छिपाकर संबंध बनाए। जब युवती उसके साथ घर पहुंची तो पता लगा कि युवक मुस्लिम समुदाय से है। आरोपी समेत उसके परिजनों ने युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। वहीं उसकी बेटी छीनकर उसे घर से निकाल दिया गया। मामले की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई। आपको बता दें, पंजाब के फरीदकोट इलाके में रहने वाली एक युवती चंडीगढ़ में कॉल सेंटर में जॉब करती थी। वहां पर उसकी मुलाकात बिसौली के रहने वाले सोहेल खान से हुई थी। सोहेल ने धीरे धीरे उसके नजदीकियां बढ़ाई और शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ संबंध बनाया, उसका साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोनिया पुत्री रामदत्त निवासी पंजाब फरीदपुर ने आज थाना बिसौली में एक प्रार्थना पत्र दिया। उसमें धर्म परिवर्तन संबंधी सोहेल व उसके परिवार पर आरोप लगाया। सोहेल के खिलाफ मुकदमा प्रकरण संख्या 436/2024, धारा 323, 504, 506 भादवी, 376 भादवी व 3/5/2 उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत करके नामजद अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।